मैं यहाँ पर 9th क्लास में आई थी तो मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर हेल्थ केयर एक वोकेशनल सब्जेक्ट भी है. तो जब मैं 10th में हुई तो मेरे सिस्टर की वजह से मुझे पता लगा कि यहाँ पर वोकेशनल सब्जेक्ट है और मैंने हेल्थ केयर के बारे में उससे पूछा बहुत और फिर मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा ये. तो फिर मैंने हेल्थ केयर लैब जाकर मैम से बात की कि मैं क्या रख सकती हूँ अभी. तो मैम ने बोला कि अब नहीं रख सकते, ये 9th से स्टार्ट हो जाता है ये जो पूरा कोर्स है. तो फिर मैं बहुत ही ज़्यादा पैशनेट थी, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा ये सब्जेक्ट. तो मैंने मैम से बार बार पूछा कि मैम प्लीज़ मैम, मैंने मैम से रिक्वेस्ट की. तो इनफैक्ट मैंने अपने पापा को भी बुलाया था यहाँ पर. तो मैम ने देखा कि इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं और इतनी पैशनेट है. तो मैम ने अपने हाई लेवल से बात की और फिर वहाँ से मैम ने वहाँ पर से भी मतलब मना कर दिया था पहले तो कि नहीं हो सकता अब. लेकिन फिर मेरे पापा ने और मैम ने फिर और भी हाई लेवल से बात की कि प्लीज़ हमें रखना है ये. और फिर उन्होंने वहाँ को परमिशन दे दी और पूरे हिमाचल में शायद मुझे ही मिली है ये परमिशन. और फिर जब मैंने उसके बाद उन्होंने परमिशन दे दी तो मैंने दोनों क्लासेस ज्वाइन की, 9th भी और 10th भी. तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और मैंने आगे जाकर मेडिकल रखना है तो ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है. और फिर और इस और 9th क्लास में जो बेसिस होता है वो भी मेरे सारे क्लियर हो गए थे और मैंने 9th क्लास में हाईएस्ट स्कोर किया है, 96 out of 100. और अब मैं 10th के पेपर देने वाली हूँ तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहा है और इससे मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया है और मैं ज़्यादा पीपल से इंटरेक्ट करती हूँ अब. और ये मेरे जो निजी जो ज़िंदगी होती है उसमें भी मेरे बहुत हेल्प करता है. मैं अपने पेरेंट्स को गाइड कर सकती हूँ और कभी भी कोई इमरजेंसी आ जाती है तो फिर मैं वहाँ पर भी हेल्प कर सकती हूँ, किसी की भी हेल्प कर सकती हूँ. और मैंने की भी है बहुत बारी हेल्प, जैसे कभी शादियों में या फिर कहीं भी किसी को चोट लग जाती है या फिर फ्रैक्चर हो सकता है तो फिर उसकी पोजिशनिंग कैसी होनी चाहिए. क्योंकि जहाँ पर शादियाँ होती हैं, जैसे गाँव में दूर शादियाँ होती है तो वहाँ पर कोई मतलब जल्दी से इमरजेंसी मतलब कि मेडिकल इमरजेंसी आ नहीं सकती है ना. तो इसलिए मैंने बहुत हेल्प भी की है तो ये मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल रहा है.